अगर आपने अपने क्लास 12th को बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पास किया है तो आप सभी के मन में बहुत सारे करियर ऑप्शंस आते होंगे और जिनमें 99% बच्चों के साथ डॉक्टर बनने का सपना वह लेकर के चलते हैं। इसीलिए वह अपने क्लास 11th में बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं और पीसीबी से अपने 12th को पास करते हैं। बात आज करेंगे मेडिकल फील्ड में कौन से ऐसे टॉप 5 कैरियर्स हैं जो आपको एक सक्सेसफुल रिस्पेक्टफुल करियर प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं, कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं, ग्रोइंग फील्ड्स हैं जिनमें आप जा करके मेडिकल के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा, शानदार से शानदार, उज्ज्वल से उज्ज्वल भविष्य आप बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कोविड महामारी से हमारा पूरा देश बहुत ज्यादा हमें नुकसान हुआ, पूरे विश्व में डॉक्टर्स की कमी महसूस की गई और ऐसे में हमें अपने मेडिकल टीम की महत्व तो समझ में आई कि क्यों हमारे लिए मेडिकल में ग्रो करना, मेडिकल में अच्छे लोगों का आना क्यों जरूरी है और सबसे ज्यादा फोकस हमें अपनी हेल्थ पर करना होता है। इसने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे डॉक्टर्स को दी जो कि हमारे देश की शान भी हैं। इन्होंने यह बताया कि हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही टॉप 5 कैरियर बेस्ट ऑप्शंस को जो कि आप 12वीं में बायोलॉजी लेने के बाद इनमें जा सकते हैं और एक शानदार भविष्य को बना सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट पर बात करेंगे, जैसे कि कौन से एग्जामिनेशन आपको देने हैं, इसमें एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्या है, कोर्स की फीस क्या है, जॉब प्रोफाइल आपको क्या मिलेगी, सैलरी आपकी क्या रहेगी। इन्हीं पॉइंट्स पर हम इस वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कोर्स जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, जो हर मेडिकल स्टूडेंट एक सपना देखता है, वह है आपका MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। ये एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो हर 12th बायोलॉजी पास बच्चा यह देखता है कि वह एक MBBS डॉक्टर बने और इसके लिए वह कड़ी मेहनत करने को भी तैयार होता है। इसी वजह से वह बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट प्रिफर करता है क्योंकि वह चाहता है कि वह भी इस नोबल प्रोफेशन में, इस नोबल जॉब में आए और एक लाइफ सेवियर का काम वो करे और लोगों की जीवन की रक्षा जरूर करे। क्योंकि शानदार करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप चाहें तो अपने देश में सर्व कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में खुद की क्लिनिक आप खोल सकते हैं, साथ ही साथ आप फॉरेन में भी जाकर के सर्व कर सकते हैं। बात करेंगे इस कोर्स के बारे में, तो सबसे पहले जान लीजिए इसकी एलिजिबिलिटी है कि अगर आप 10+2 पीसीबी से आप पास हैं, आपने नीट जो NTA द्वारा एग्जाम कराया जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस टेस्ट को आपने पास किया हो तो आप इस डिग्री को ले सकते हैं। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपके प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं। फीस की मैं बात करूं तो जनरली आपकी जो फीस होती है वो गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज्यादा कम होती है और प्राइवेट कॉलेज में आपको हाई अमाउंट ऑफ फीस यहां पर देना होता है। 4 लाख to 15 लाख पर ईयर आपकी फीस देखने को मिलती है। कोर्स ड्यूरेशन की हम बात करें तो 5.5 years, जिसमें कि आपको 1 year की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है, यानी 4.5 साल की आपकी पढ़ाई है और 1 साल आपको इंटर्नशिप करना होता है। सैलरी की हम बात करें तो यहां पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही जो होगी वो होगी 5 to 7 lakh और साथ ही साथ इसके बाद जब आप जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पर सर्जरी पर ट्रीटमेंट पर आपको 2 to 3 lakh पर डे की भी अर्निंग देखने को मिलती है, यानी कि आपको बहुत ही शानदार भविष्य इसके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन आपसे कड़ी मेहनत की डिमांड इस कोर्स के अंदर की जाती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे करियर ऑप्शन की जो कि अभी नया नया और बहुत ज्यादा ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है, आने वाला समय इस कोर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और ये कोर्स आपका पैरामेडिकल कोर्स है जिसके अंदर आपको कोई भी नीट जैसा टफ एग्जाम नहीं देना होता। अलग अलग यूनिवर्सिटीज इसका एग्जाम कराती हैं और ये कोर्स है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी कि BPT का कोर्स जो है ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप 10+2 PCB से पास होने चाहिए। हर यूनिवर्सिटी अपना अपना अलग एग्जाम कराती है। इसकी ड्यूरेशन जो है वो 4 years की होती है, 6 months की इंटर्नशिप इसके अंदर इंक्लूडेड है और सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी 10 to 30 K आपकी सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग पर मंथ होती है और आपको जो सैलरी मिलती है वो 3 lakh to 8 lakh पर एनम यहाँ पर मिलने की आपको सैलरी, अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ अगर मैं इसकी कोर्स की फीस की बात करूं तो 40,000 से लेकर के 80,000 पर ईयर आपकी यहाँ पर कोर्स की फीस होती है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे उतनी फीस आपको पे करनी होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो
डेंटल में आना चाहते हैं, यानी कि जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके लिए भी जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो एकदम सेम जैसी MBBS के लिए है, वैसे ही आपके लिए BDS की भी होगी। 10+2 आप PCV से पास होने चाहिए, आपको नीट एग्जाम के अंदर आपने क्वालिफाई किया हो, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के BDS की डिग्री को आप परसू कर सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो इसके ड्यूरेशन 5 years की होती है, 1 year इंटर्नशिप आपकी इंक्लूडेड होती है, और यहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी 2-4 lakh पर एनम से लेकर के 6-8 lakh पर एनम आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। और कोर्स की फीस अगर मैं बात करूं तो 1 lakh से लेकर के 6 lakh पर ईयर आपको यहां पर कोर्स की फीस पे करनी होती है और आप एक डेंटिस्ट बनते हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपना करियर होम्योपैथी बनाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर बने, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है BHMS होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी। इसके अंदर आप होम्योपैथ के अंदर एक डॉक्टर बनते हैं। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो यहाँ पर भी आप 10+2 PCB के साथ पास होने चाहिए। इसके साथ ही साथ इसकी कोर्स की ड्यूरेशन भी 5.5 years होती है, जिसमें आपको 1 year की इंटर्नशिप करनी होती है। और फीस की मैं बात करूं तो 80,000 से लेकर के 1.5 lakh आपकी यहाँ पर सैलरी, आपकी यहाँ पर फीस होगी। और सैलरी की अगर हम बात करें तो 3-4 lakh पर एनम से लेकर के 8-12 lakh पर एनम, जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा उसी हिसाब से आपकी सैलरी यहां पर इंक्रीज करती जाएगी। अब हम बात करेंगे जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, मोर इफेक्ट की बात करेंगे हम, और यहां पर हम बात करेंगे अपने एंशियंट ट्रीटमेंट की जो कि हमारे पूर्वजों ने अपनाया हुआ था, उसमें अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेद की, तो आप अगर BAMS करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये भी कोर्स उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद के अंदर आपको साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता जो कि आपको एलोपैथी में देखने को मिलता है, तो इसलिए अगर आप इसमें भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको 10+2 PCB के साथ पास करना होगा। इसके साथ ही साथ कोर्स की ड्यूरेशन भी आपकी 5.5 साल की होगी, 5.5 years, 1 year की आपको इंटर्नशिप करनी है। अगर मैं कोर्स फीस की बात करूं तो 20,000 से लेकर के 80,000 पर ईयर आपको यहां पर फीस देखने को मिलती है। अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आप जाकर के BAMS की डिग्री ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं सैलरी की बात करूं, जब आप एज अ डॉक्टर BAMS अपॉइंट होंगे तो आपकी जो सैलरी होगी वो 3-4 lakh पर एनम से लेकर के 6-8 lakh पर एनम, बहुत तेजी से आपकी सैलरी यहां पर इंक्रीज करेगी। क्योंकि आने वाला समय कहीं ना कहीं आयुर्वेद का है, होम्योपैथ का है, हम सभी चाहते हैं कि हमारी हेल्थ पर कम इफेक्ट आए और ज्यादा चीजें असरदार हों, तो इसके लिए आपको आयुर्वेद भी एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेडिकल के वो छात्र जो अपना करियर मेडिकल में बनाना चाहते हैं, बायोलॉजी लेने के बाद वो चाहते हैं कि वो एक मेडिकल में एक अच्छा करियर बहुत ही अपने लाइफ में एक्सेल करें, सक्सेसफुल हों, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर आपने पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार APN क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही करियर रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करें ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा सहायता हो और आपको जल्द से जल्द वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।